फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्मानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की क्लास में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री की बुक है हमारी, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी यूनिट के? यूनिट 8 के, सिंथेटिक डाइज। ठीक है, और यूनिट के मैंने आपको कम्प्लीट करा दिए। लास्ट यूनिट बची है हमारी सिंथेटिक डाइज, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, विच ऑफ दिस इज अ नेचुरल डाई, इनमें से कौन सी हमारी क्या है नेचुरल डाई है? ए ऑप्शन एजोडाई, बी ऑप्शन एलिजेरिन, सी मिथाइल ऑरेंज या फिर डी रोडामाइन। तो ए बी ऑप्शन एलिजेरिन जो होती है वो हमारी नेचुरल डाई होती है। ठीक है, एलिजेरिन जो होती है वो हमारी नेचुरल डाई होती है, बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजोडाई कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड, एजोडाई जो होती है वो किसके किससे बनती है हमारी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जो हम रिएक्शन किससे कराएं जिससे हमारी एजोडाई बनती है? ए ऑप्शन बेंजीन से कराएं जो हमारी एजोडाई बनेगी, या फिर बी फिनोल से, या फिर सी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, या फिर डी क्लोरोबेंजीन। तो जब हम फिनोल की और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलती है? एजोडाई मिल जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो बिलोंग्स टू, इंडिगो हमारी किसमें बिलोंग करती है? ए ऑप्शन मॉडर्न डाई, बी ऑप्शन डायरेक्ट डाई, सी होती है इनग्रेन डाई, या फिर डी वेट डाई। तो इंडिगो जो होती है वो हमारी वेट डाई में बिलोंग करती है। ठीक है, ये हमारे डाइस के प्रकार होते हैं, मॉडर्न डाई, डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, मॉडर्न जिसमें क्या होता है कि पहले उन्हें हम डायरेक्ट फाइबर पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंडिगो बिलोंग्स टू, इंडिगो हमारी बिलोंग करती है किससे? ए ऑप्शन मॉडर्न डाई, या फिर बी डायरेक्ट डाई, या फिर सी इनग्रेन डाई, या फिर डी वेट डाई। तो इंडिगो हमारी बिलोंग करती है बच्चे वेट डाई से। देखो डायरेक्ट, ये हमारे डाई के टाइप्स होते हैं, मॉडर्न डाई, डायरेक्ट डाई, ये हमारी डाई होती है। ठीक है, मॉडर्न डाई जो हम डायरेक्ट फाइबर पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है, उसमें कुछ इंटरमीडिएट मिलाकर हम उसका यूज करते हैं, मॉडर्न मिलाकर, तब वो हमारी डायरेक्ट यूज नहीं होती फाइबर पर। अगर हमारी डाई डायरेक्ट यूज नहीं होती तो उस क्या बोलते हैं? मॉडर्न डाई बोलते हैं, जिसमें हमें मॉडर्न मिलाने की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन है हमारा क्या? डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई जिसे हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं फाइबर पर, वो डायरेक्ट डाई कहलाती है। डी ऑप्शन वेट डाई होती है हमारी, इंडिगो डाई वेट डाई में बिलोंग करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसिड बेस इंडिकेटर, इनमें से कौन सा हमारा एसिड बेस इंडिकेटर है? ए ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज, बी ऑप्शन फिनोक्टिलीन, या फिर सी कॉन्गोरेड, या फिर डी ओल। तो देखो जो हमारे एसिड बेस के इंडिकेटर करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं, ए ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज, ये भी हमारी डाई होती है, बी ऑप्शन फिनोक्टिलीन, ये भी हमारी डाई होती है, सी ऑप्शन कॉन्गोरेड, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो ये जो तीनों होती हैं, ये क्या करती हैं? एसिड बेस का इंडिकेटर में भी इनका यूज करते हैं, इन डाइज का। या आप ये बोल सकते हो कि हम इसे यूज करते हैं तो एसिड बेस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें ऑल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर सोलिबिलिटी ऑफ डाइज कैन बी इंक्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग, वाटर सोलिबिलिटी जो होती है किसी डाइज की वो कब बढ़ती है? ए ऑप्शन माइनस बॉन्ड सी ओ एच ग्रुप, या फिर बी ऑप्शन ओ एच ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर सी SO3Na ग्रुप, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो इन सब के मिलने से हमारी क्या होती है, वाटर में जो सोलिबिलिटी होती है किसी डाई की, जो वाटर में सोलिबिलिटी होती है इन ग्रुप के मिलने से वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, एसिड ग्रुप के बढ़ने से भी, OH ग्रुप के, अल्कोहल ग्रुप से भी, क्योंकि एसिड और अल्कोहल ये हमारे कैसे ग्रुप होते हैं, ये हमारे इजिली बॉन्डिंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिससे क्या होती है ये इजिली वाटर किसी भी वाटर में सोलिबल हो जाती है ये डाइज, क्योंकि बॉन्डिंग बना लेती है। ठीक है, वाटर के साथ। तो ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, तीनों जो ग्रुप होंगे अगर हमारे किसी भी डाई में, तो वो कैसे हो जाएगी, वाटर सोलिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन ऑल इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज ऑब्टेन इन एसिडिक मीडियम ऑफ मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज डाई है उसका कैसा कलर मिलता है एसिडिक मीडियम में? तो ए ऑप्शन रेड, बी ऑप्शन ब्लू, या फिर सी ऑरेंज, या फिर डी येलो। तो आपको मैंने थ्योरी में लिखा रखा है, जब मिथाइल ऑरेंज को हम वो करते हैं एसिडिक मीडियम में, क्या करते हैं उसका यूज करते हैं, तो हमें कैसा कलर मिलता है? रेड मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डाइज कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, स्ट्रक्चर के आधार पर डाइज को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया? तो उन्हें 11 कैटेगरीज में बांटा गया, किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर। ए ऑप्शन 8, या फिर बी 9, या फिर सी 10, या फिर डी 11। तो 11 टाइप्स हम डाइज का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाई इज गिवन बिलो, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर, ये कौन सी, ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है ये कौन सी डाई की है? देखो ये स्ट्रक्चर दी हुई है,
तो इसमें आपको पहचान लिया कि कौन से डाई के स्ट्रक्चर होते हैं। दिस डाई इज रिलेटेड अ क्लास ऑफ डाइज विच इज, ये कौन सी क्लास की डाई से इंक्लूड करती है, ये किसमें शामिल होती है। देखो ये क्या है हमारी बेंजीन है या फिनोल बोल सकते हैं आप, ये फिनोल हुआ। ऐसे ये क्या हुआ थैलिक एनहाइड्राइड, सीओ ग्रुप दिख रहा है आपको, ये सीओ ग्रुप है थैलिक एनहाइड्राइड, तो थैलिक एनहाइड्राइड है और दो फिनोल ग्रुप है। तो ये हमारी कौन सी डाई में करती है इंक्लूड, मैंने आपको बता रखा है जो फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड, तो ये जो डाई होती है कैसी डाई होती है हमारी, थैलिन डाइज कहते हैं इनको। तो सी ऑप्शन थैलिन डाइज में कैसा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बच्चे इसको इस टाइप से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि भाई डाई की स्ट्रक्चर दे रही है, आपको बस ये पहचानना है कि कौन सी डाई की स्ट्रक्चर है। तो जो आपको मैंने डाई बताई है, लिखाई दी है, उनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी बताए हैं साथों साथ, तो उनके आपको अच्छे से स्ट्रक्चर भी देखनी है और उन्हें अच्छे से बनाकर भी देखना है कि भाई इस डाई के मतलब मेथड्स, उनके सिंथेटिक, उनके जो सिंथेटिक मेथड थे जिस जैसे वो बन रही थी, ये सब चीज आपको बंद करनी है उनकी, ठीक है। ये याद रखनी है कि भाई इसे मिलाने से ये ग्रुप मिलने से ये वाली डाई प्रिपेयर हो रही है और कौन कौन से ग्रुप इसमें मिल रहे हैं। एक टाइप से जैसे पॉलीमर बताया था उसमें मोनोमर यूनिट आपको याद रखनी है, इसी टाइप से आपको डाइज में ये याद रखना है कि इन दोनों ग्रुप्स के अगर मिलने से डाई बनी है तो कैसी डाई होगी और स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको, ठीक है डाइज की सबकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज टू प्रिपेयर सिप्स रेजेंट्स, इनमें से कौन सी डाई का यूज करते हैं सिप रेजेंट के बनाने में। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों बहुत आता है उसमें पेपर में ये वाला क्वेश्चन कि सिप रेजेंट के मिल कौन सी डाई हमारी सिप रेजेंट बनाती है, जो हमारा सिप रेजेंट होता है किसकी डाई से बनता है। ए ऑप्शन क्रिस्टल वॉयलेट, या फिर बी मेलेकाइट ग्रीन, या फिर सी फिनोप्थलीन, या फिर डी रेसोलाइन। तो जो हमारा मेलेकाइट ग्रीन डाई होती है उसके मिलने से हमारा सिप रेजेंट बनता है, ठीक है, या उसके उसका यूज हम किसमें करते हैं सिप रेजेंट की प्रिपरेशन में, ठीक है, किसका मेलेकाइट ग्रीन डाई का। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट डाई, इनमें से कौन सी वेट डाई है। तो वेट डाई आपको मैंने बता दी, वेट डाई का जो एग्जांपल है कॉमन आपको यही याद रखना है, इंडिगो जो हमारी डाई होती है वो वेट डाई में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए ऑप्शन एलिजेरिन, बी ऑप्शन इंडिगो, तो इंडिगो इसमें बी ऑप्शन हमारा कैसे हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप प्रेजेंट इन बेसिक डाई, बेसिक डाई में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेसिक डाई में पूछा है। ए ऑप्शन NS2, बी ऑप्शन OH, या फिर CNO, या फिर D एन डबल बॉन्ड N। तो डी ऑप्शन एन डबल बॉन्ड N है, ये किसमें होता है हमारा नाइट्रो डाई में होता है। NO ग्रुप ये दूसरी डाई में होता है, OH ग्रुप ये भी अलग डाइज में होता है, जैसे फिनोल वगैरह जो हमारी होती है क्या बोलते हैं हम इसको, जैसे वो बोलते हैं थैलिन डाइज, उनमें हमारा OH वगैरह ही होता है। तो ये हमारी कौन सी डाई होगी, ये वाली होगी। ए ऑप्शन है NS2, ये हमारी होती है बेसिक डाई, ठीक है। बेसिक डाई मतलब जो कॉमन बेसिक ग्रुप, बेसिक डाई में ग्रुप यूज होता है वो कौन सा होता है हमारा NS2 ग्रुप। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन दे रखी है आपको, देखो रिएक्शन पहचान दी है, ये रिएक्शन है। अगर इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है तो जो हमारा एक्स प्रोडक्ट है, द कंपाउंड एक्स इन अबोव रिएक्शन, तो इसमें जो एक्स कंपाउंड है वो क्या है। देखो ये हमारा ग्रुप दिया हुआ है SO3H N डबल N ट्रिपल बोन NCl, उसमें क्या मिला रखा है बेंजीन, उससे दो क्या N अटैच है, उससे दो CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो इससे जो डाई बनती है, आपको मैंने यही चीज बताई है कि आपको ये सब चीजें याद रखनी है। रिएक्शन भी देगा आपको, पूछ लेगा कि ये रिएक्शन कैसे होगी, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही पूछ रखा है ना इसमें कि एक्स इसमें कंपाउंड क्या बनेगा। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हमारा मिथाइल ग्रुप। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, आपको मैंने लिखा रखी है मेथड्स भी बता रखा कि मिथाइल रेंज कैसे कैसे बनती है, तो आपको आप पहचान लोगे कि ये इससे हमारी कौन सी डाई बन जाएगी, मिथाइल रेंज बन जाएगी, ठीक है। जो एक्स कंपाउंड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मिथाइल रेंज। तो सी ऑप्शन में हमारा कैसे हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोविट थ्योरी द फंक्शनल ग्रुप डिवाइडेड इन, ऑटोविट थ्योरी के अनुसार जो फंक्शनल ग्रुप है उनको डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, या फिर C2, या फिर D नन ऑफ दिस। तो ऑटोविट थ्योरी जो होती है, जो साइंटिस्ट ऑटोविट ने ली थी, उन्होंने फंक्शनल ग्रुप को दो भागों में बांटा था, एक तो किसमें क्रोमोफोर्स, दूसरा ऑक्सोक्रोम। तो दो फंक्शनल ग्रुप हुए, ऑक्सोक्रोम में हमने उन्हें फर्दर डिवाइड कर दिया था, लेकिन मेन तो हमारे कौन से हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 2, इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स आर, सभी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, ए ऑप्शन ऑक्सोक्रोम, बी ऑप्शन क्रोमोफोर, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो आपको पता है सभी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स किस में आते हैं हमारे क्रोमोफोर्स में, ठीक है। ऑक्सोक्रोम में कैसे आते हैं हमारे सैचुरेटेड, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप विच डिक्रीज और इंक्रीज द कलर डेंसिटी ऑफ क्रोमोजन आर नोन एज वे फंक्शनल ग्रुप, जो क्रोमोजन या क्रोमोफोर्स बोल सकते हो आप,
उनकी कलर डेंसिटी को घटाते हैं या बढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन क्रोमोफोर्स, बी ऑप्शन ऑक्सोक्रोम या फिर सी हीटोक्रोम। तो आपको बताया जो क्रोमोफोर्स की कलर डेंसिटी को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये नहीं पूछा कि भाई बढ़ाने वाले का नाम बताओ या घटाने वाले का, कॉमन ये पूछा है आपसे कि कौन हमारे क्रोमोफोर्स की कलर डेंसिटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इफेक्ट करते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि इफेक्ट कौन करता है क्रोमोफोर्स की कलर डेंसिटी को, तो वो कौन करते हैं? ऑक्सोक्रोम। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द कलर डेंसिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल ऑल्सो, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन हमारा बढ़ेगा कलर डेंसिटी भी उसी रेशियो में बढ़ेगी या नहीं। मतलब ये पूछा है कि जैसे अगर हमारा कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो कलर डेंसिटी हमारी क्या होगी ग्रुप की? ए ऑप्शन डिक्रीज होगी, बी ऑप्शन इंक्रीज होगी या फिर सी नो इफेक्ट या फिर डी नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको कलर डेंसिटी में ये चीज भी पढ़ाई थी, दो थ्योरी पढ़ाई थी, वीबीटी पढ़ाई थी आपको, सॉरी तीन पढ़ाई थी वीबीटी और एक पढ़ाई थी हमने आपको क्या पढ़ाई थी, एक स्टेरिक इंडेंस पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी रेजोनेंस थ्योरी। तो रेजोनेंस थ्योरी जो थी उसमें क्या कहा था कि जैसे जैसे अगर हमारा कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो हमारी कलर डेंसिटी भी उसी रेशियो में बढ़ती है। तो इसमें ये पूछा है कि जैसे जैसे अगर हमारा कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, द कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द कलर डेंसिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल ऑल्सो, कि जैसे जैसे अगर हमारा कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो कलर डेंसिटी हमारी क्या होगी उसी रेशियो में बढ़ेगी, तो बी ऑप्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज डाइज हैव NO2 फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज, वे डाइज जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है NO2 होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन एजोडाइज, बी ऑप्शन नाइट्रोडाइज या फिर सी थायलिन डाइज या फिर डी नन ऑफ दिस। तो एजोडाइज तो नहीं होगी, एजोडाइज में क्या होता है हमारा N डबल बॉन्ड N ये ग्रुप होता है। बी ऑप्शन है क्या? नाइट्रोडाइज। तो NO2 फंक्शनल ग्रुप जिन डाइज में पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? नाइट्रोडाइज बोलते हैं। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज इज एन एग्जांपल ऑफ, मिथाइल ऑरेंज किसका एग्जांपल है? ए ऑप्शन एजोडाइड, बी ऑप्शन नाइट्रोडाइड या फिर सी थायलिन डाइड या फिर डी नन ऑफ दिस। तो मिथाइल ऑरेंज आपको पता है मिथाइल ऑरेंज किसका एग्जांपल होता है? हमारा एजोडाइड का। इसमें एन डबल बोन एन लिंकेज होता है, तो इस कौन सी डाइड से बिलोंग करता है? एजोडाइड से। ठीक है, एजोडाइड का होता है मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजेरिन इज एन एग्जांपल ऑफ, एलिजेरिन किसका एग्जांपल है? ए ऑप्शन हमारी मिथाइल ऑरेंज आती है, पैरा अमीनो बेंजीन आती है, डाई और पढ़ाई थी आपको कई टाइप की बताई थी मैंने एजोडाई में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन डाई में आती है हमारी एलिजेरिन डाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाइज आर वाटर सोलेबल, इनमें से कौन सी डाई वाटर सोलेबल होती है? ए ऑप्शन एसिडिक डाई, बी ऑप्शन बेसिक डाई, सी ऑप्शन मॉडर्न डाइज या फिर डी डायरेक्ट डाइज। तो डायरेक्ट डाइज जो होती हैं वो हमारी वाटर सोलेबल होती है, वो इजिली हमारी फाइबर पे अप्लाई हो जाती है, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट डाई करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डाइज दैट आर यूज्ड आफ्टर एडिंग एन इंटरमीडिएट पोल, वे डाइज जिनका यूज हम कब करते हैं जब उनमें कोई इंटरमीडिएट मिलाते हैं तब उनका यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कुछ डाइज ऐसी होती है हमारी जिन्हें हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते या अप्लाई नहीं कर सकते फाइबर पर, उनमें क्या करेंगे कि इंटरमीडिएट मिलाएंगे उसके बाद उन डाई का यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन है बेसिक डाई, बी ऑप्शन डायरेक्ट डाई या फिर सी मॉडर्न डाई। तो सी ऑप्शन मॉडर्न डाई कैसा हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजेरिन इज यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ, एलिजेरिन जो है डाई हमारी उसका यूज हम किस में करते हैं, किसकी फॉर्म में करते हैं? ए ऑप्शन बेसिक डाई, बी ऑप्शन डिस्पर्स डाई या फिर सी वेट डाई या फिर डी मॉडर्न डाई। तो आपको बताया था मैंने एलिजेरिन का यूज करते हैं मॉडर्न डाई की फॉर्म में। इसमें क्या होता है, इसे हम डायरेक्ट फाइबर पे अप्लाई नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वाटर सोलेबल तो ये नहीं होती इसलिए हम इसे डायरेक्ट फाइबर पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट मिलाएंगे तब इस डाई को अप्लाई करते हैं। वेट डाई हमारी कॉमनली आपको याद रखनी है इंडिगो आती है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, मॉडर्न डाई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चे ये थे हमारे जो हमारी लास्ट यूनिट थी सिंथेटिक डाइज उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया है आप क्या करेंगे, पहले डाइज पढ़ेंगे अच्छे से थ्योरी में अपने, उसमें क्या याद रखेंगे आप उनकी जो डाइज है, जो मेन डाइज है आपकी, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, कॉन्गोरेट और क्या बोलते हैं मेलेकाइट ग्रीन कराई थी मैंने आपको, इंडिगो डाई कराई थी। तो आपको इनका क्या याद रखना है कि किस टाइप से किस किस ग्रुप्स के मिलने से बन रही है, और आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन याद करना है। क्लासिफिकेशन में कैसे, क्लासिफिकेशन में एजोडाइज किसको बोलते हैं, नाइट्रोडाइज किसको बोलते हैं, थैलिन डाइज किसको बोलते हैं, ये सब चीजें एग्जांपल याद रखने हैं कि वेट डाई का एग्जांपल, सॉरी वेट डाई का बोल रही हूँ,
एजोडाई का एग्जाम्पल कौन सा है, नाइट्रोडाई का एग्जाम्पल क्या होगा, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इनके मिथाइल ओरेंज वगैरह जो डाइज आपको कराई थी मेन, उनके आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन याद रखनी है, कैसे के क्या क्या मिलने से हमारी कौन सी डाई प्रिपेयर हो रही है और कौन कौन से ग्रुप शामिल हो रहे हैं इसके बनाने में, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कौन सी डाई बननी है फाइनल, ठीक है। तो ये आपको सब याद रखने हैं। तो आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो, बाकी आप अपनी अच्छे से थ्योरी करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।